बेटा डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है क्या? किस चीज का डर लग रहा है बेटा आपको? अच्छा बेटा कोई बात नहीं बेटा, बैठ जाओ। किस चीज से डर लग रहा है बेटा आपको? कोई बात नहीं, बैठ जाओ। क्यों रो रहे हो? तुम आप क्यों कर रहे हो? आप प्लीज आइए ना अंकल। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। एक स्कूल बस में सवार ये नन्हे मुन्हे बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बाहर हो रहे शोर शराबे और पथराव के बीच फंसे हुए हैं। 4 से 5 साल के इन बच्चों की बस जब हिंसक झड़प में फंसी तो उन्हें रोते बिलखते देखा गया। तस्वीरें बिहार के दरभंगा जिले की हैं, जो आंदोलन की आग में जल उठा है। यहाँ पर हिंसक प्रदर्शन ऐसा दिखा जिसकी आग में कई सरकारी संपत्तियां जल उठीं। ऐसी ही एक हिंसा के बीच स्कूल के लिए रवाना हुई ये बस भी फंस गई। जहां पर ये बस फंसी उसी के आसपास उपद्रवियों का हंगामा जारी था, पथराव किया जा रहा था, तो सुरक्षा बल के जवान किसी तरह से उस हंगामे को शांत कराने की जद्दोजहद करते दिखाई दे रहे थे। ये हंगामा देख स्कूल बस में सवार ये छोटे बच्चे सहम उठे। इनमें से कुछ बच्चों को डर से रोते हुए देखा गया तो कुछ उन्हें चुप कराने की कोशिश करते भी दिखाई दिए। तस्वीरें ऐसी थीं कि देखते ही देखते तेजी से वायरल हो गईं, जिस पर लोगों की ओर से भी कई तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की। यहाँ मथुरा नेशनल हाईवे पर उपद्रवियों का खूब जमकर हंगामा देखने को मिला। इस दौरान जमकर पथराव भी हुआ। अचानक हुए इस हंगामे के बीच लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और जोरदार पथराव के बीच लोग बचने के लिए उस ओर दौड़े जहां सुरक्षा बल के जवान तैनात थे। लोगों को उनके पीछे छिपने की कोशिशें करते देखा गया। इसी बीच एक ऐसी तस्वीर भी दिखाई दी जिसमें एक पिता अपनी बच्ची को सीने से लगाए दौड़ता दिखाई दिया। उसके पीछे पीछे एक महिला भी बचने के लिए भागती दिखी। उन्हें डर था कि कहीं उपद्रवियों की ओर से उड़ता कोई पत्थर उनकी मासूम नन्ही लाडली को ना लग जाए। आपको बता दें कि सेना में भर्ती की नई स्कीम को लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा समेत कुछ राज्यों में प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में युवाओं की नाराजगी ने जब उग्र रूप लिया तो वे सुरक्षा बलों के लिए भी चुनौती बन गए। इन्हें नियंत्रित करने के लिए कुछ जगहों पर बल का प्रयोग करना पड़ा तो कुछ जगहों पर पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। 3 दिन से जारी उपद्रव में अब तक सरकार को खासा नुकसान झेलना पड़ा है। इस बीच प्रशासन की ओर से भी सख्त चेतावनी जारी कर दी गई है। ऐसे में आंदोलनकारियों को आगाह किया गया है कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।